फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट अंबुजवाड़ी के इलाके में। जैसे कि 2 से 3 दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था आपको कि मालवनी न्यू भाबरेकर नगर में तकरीबन 500 परिवार बेघर हो गए, वहां पे बड़ी कार्रवाई हुई है म्हाड़ा की तरफ से, जो अभी इस वक्त बहुत परेशान है। ना उनके खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है। बच्चों के स्कूल चालू है, इस वक्त एग्जाम चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी परेशान है वहां पे। माँ, कितनी माएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों को खाना या दूध नहीं पिला पा रही हैं। उसके बावजूद हम इस वक्त यहाँ पे हैं मोइनिया मस्जिद के पास, यहाँ पे भी एक घर तोड़ा गया है। हमारे साथ जय भारत एनजीओ के प्रेसिडेंट मौजूद हैं सिफाक अहमद सिद्दीकी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये इस नजरिए को किस तरह से देखते हैं कि जो कार्रवाई हुई सही हुआ या गलत हुआ, और भूमि माफिया के जो लोग होते हैं कुछ पैसों के लिए भोली भाली जनता को बेचते हैं, उनपे बारे में ये क्या कहेंगे सर? नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके समाज के खबरें को धन्यवाद देता हूं और इसके माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं, लोगों को जन जागृत करना चाहता हूं कि यहां पे जो पिछले महाडा की जमीन और अंबेडकर चौक में वहां पे झोपड़ा तोड़ा गया वो काफी निंदनीय है, उसका मैं विरोध करता हूँ। ठीक है, जगह महाडा की है, कलेक्टर का है, लेकिन उस पर नोटिस दिया जाता है महीना बार 15 दिन पहले, लेकिन 48 घंटा पहले दिया गया था। हमारी माँ बहन वहाँ डिलोरी हालत में थी, पेट से थी, कितना उनको मैंने देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। सर, ये जो टूटा इसके बारे में क्या कहना है? आपने भी लेटर डाला था इसको डिमोलिशन करने के लिए, इसकी वजह बताइए। देखिए यहाँ पे कुछ एक मिनट और कहना चाहेंगे। हाँ? ये जस्ट दो टूटा और ये पीछे इतना बड़ा इलीगल निर्माण है। हाँ? यहाँ जस्ट है, उसके बारे में क्या? देखिए मैंने मेरा कहना है, मैं झोपड़ा तोड़ने का खिलाफ नहीं हूँ, झोपड़ा बनाने के सपोर्ट में हूँ, लेकिन जो लीगल हो, जो अंथराइज होगा उसके खिलाफ हो। लेकिन यहाँ पे भूमि लोग भूमि माफिया के होते हैं, जो गरीब जनता को, भोली भाली जो जनता होती है, उसको बेचते हैं, बैला फुसला कर उनको लूटते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ? नहीं, उनको तो मैं अभी उनके पीछे मैं 4 दिन से मुहिम छेड़ा हूँ, उनको मैं उनके खिलाफ लेटर भी बना के रखा हूँ, कल मैं जाके कलेक्टर में देना है मुझे। और जितने भू माफिया यहाँ पे झोपड़ा बेच रहे बना बना के 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया, सबको मैं जेल डलवाऊँ, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि बेचारे जो बेघर कर दिया गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरे आंख में आंसू है, बहुत परेशान हुआ मैं, क्योंकि वो धोखा देते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख में बेचते हैं और 2 महीना 3 महीना वो झोपड़ा रहता है, वही BMC द्वारा जाके तोड़वा देते हैं। तो इसमें मिली भगत इन लोग का भी है, और मैं यहाँ के वार्ड के जो नगर सेवक है उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के इसे आपके चैनल के माध्यम से, कि आपको यहाँ के जितने वार्ड जितना वोटर है आपके, इसकी गिनती मालूम है कि हमारे इतने वोटर है, हमारे इतने लोग है, आपको ये नहीं मालूम है कि आपका यहाँ एरिया में कितना झोपड़ा इलीगल बन रहा है? तो वही चीज पहले क्यों नहीं कार्रवाई करवाते हो? जब बेचारे रहते हैं 2 महीना 4 महीने 6 महीने रहते हैं, उसके बाद आपकी मिली भगत से ऐसे सब काम होता है, नगर सेवक को मालूम पड़ता ही होगा, क्योंकि उनको भी इतना लेटर जाता होगा, ऐसा हो रहा है वैसा उनको सब मालूम है, वहाँ पे क्यों नहीं आए? वही चीज पहले उन लोग आके बंदोबस्त कर दे। अच्छा, मतलब सिर्फ नगर सेवक का मान दो, MLA MP क्या करें? यहाँ पे देखिए प्रतिनिधि जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है, नगर सेवक हो, MLA हो या MP हो, मैं उस चीज को बोलना चाहता हूँ कि सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आपकी जनता को कुछ तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो आपका कर्तव्य आप वहाँ पे आके खड़े हो, कम से कम उनको दिलासा दो, मेरा ये मानना है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं विरोध करता हूँ जितने यहाँ पीछे जो इलीगल दिखाई दे रही है, क्या टूटेगा? देखिए इसके बारे में कभी आवाज देखिए, मैं अब जो गरीब जनता होगी जिन्होंने 2 लाख 3 लाख में खरीदेगी जो आकर इसे, उसके साथ क्या होगा? क्या आपने फ्यूचर देखा कि ये नहीं टूटेगा? ये झोपड़ा तोड़ने से पहले जितने भू माफिया उनको पहले जेल में डाला जाए, फिर उसको तोड़े, मेरा ये कहना है। जितना बना बना के धोखा दिया, जितना लूटा गया, जितने झोपड़े को तोड़ बनाया गया, उसको पहले जेल में डाले। ये आप देख पा रहे हो मेरे सामने, ये दरगाह है, दरगाह के बाजू में यहाँ पे किस तरह से भरनी कर इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी कब्जा की जा रही है, गरीब लोगों को लूटने के लिए पतरे का बनाकर बेचा जा रहा है। बजरंग दल वाले कैसे की देखोगे, तो इंसान है क्या देखता है।
बुलडोजर वगैरह किधर आया था? हाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।